हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ हरियो चैनल पर। आज आपके सामने लेकर आ गया हूं मैं फिर से एक नया बजट फ़ोन रियलमी कंपनी का रियलमी नार्जो 70 प्रो फ्रो 5G। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और जानेंगे सब फीचर्स के बारे में। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस बॉक्स के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको मिलने वाला है फ्लैगशिप सोनी के IMX890 OIS कैमरा, 120Hz सुपर एमोल डिस्प्ले और डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर, चिपसेट डुअल टॉक एंड ग्लास डिजाइन साथ आपको मिलने वाला दोस्तों। एंड इसमें वेरिएंट आता है, इसमें 8GB रैम 128GB वाला रोम वाला वेरिएंट है दोस्तों। एंड ग्लास गोल्ड कलर इसका डिजाइन होने वाला दोस्तों, इसका कलर है ना ग्लास गोल्ड कलर का कलर है इसका डिवाइस का नेम। एंड चलते हैं बिना किसी तरीके इसको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अनबॉक्सिंग करने पर आपको एक मिनी बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल्स दोस्तों। एंड आपको मिलता है इसमें एक ट्रांसपेरेंट केस कवर जो काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी का दिया गया दोस्तों। एंड आपको मिल जाती है एक डिवाइस रखी हुई, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जो ग्लास गोल्ड कलर की डिवाइस है। फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर और भी एसेसरीज मिल जाती है देखने के लिए, जिसमें आपको मिलता है एक एडाप्टर जो 67W का चार्जर है, जो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी एवं काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, क्वालिटी तो काफ़ी बेटर है इसका, काफ़ी अच्छा है, एकदम बढ़िया। इसमें आपको टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है देखने के लिए, टाइप सी पोर्ट दिया गया है एकदम। अब चलते हैं बिना किसी तरीके डिवाइस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिवाइस काफ़ी सुंदर लुक एंड प्रीमियम लुक के साथ आपको देखने मिल जाती है देखने के लिए एकदम। इसका सर्कल टाइप में इसका कैमरा मॉड्यूल दिया गया दोस्तों, एंड ट्रिपल सेटअप साथ आपको इसमें कैमरा मिल जाता देखने के लिए विथ LED फ्लैश इसमें मिल जाता देखने के लिए। इसमें 50MP का रियर कैमरा दिया गया है, 8MP का एंड 2MP का डेप्थ कैमरा दोस्तों, एंड विथ LED फ्लैश आपको देखने मिलता है। पीछे आपको एकदम शाइनिंग लुक के साथ मिल जाता है एंड नॉन शाइनिंग दोनों साइड एकदम बढ़िया स्माइली टाइप की आपको इसमें बीच में शाइन देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड नार्जो कंपनी का मोबाइल है वाला, वो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको बॉटम में आपको मिल जाता है स्पीकर लाउड एंड आपको टाइप सी पोर्ट, एंड नीचे आपको मिल जाएगी सिम डालने के लिए सिम ट्रे और माइक्रोफोन आपको मिलता है। इसमें साइड में वॉल्यूम के बटन एवं पावर ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। ऊपर आपको मिल जाता है सेकेंडरी माइक एंड 3.5mm का ईयरफोन जैक। इसमें डुअल स्टोरी स्पीकर दिया गया है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी आवाज़ होने वाली है। एंड गाइस, काफ़ी अच्छा सेट है, काफ़ी लाइट वेट सेट है, 195 ग्राम इसका वेट दिया गया है एंड 7.69 इंचेस इसकी डेप्थ दी गई है, मतलब काफ़ी स्लिम मॉडल भी है और 5 mAh की बैटरी है। काफ़ी अच्छा सेट है दोस्तों, एंड हाथ में पकड़ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी दोस्तों। पीछे जैसे कि देख पा रहे हो, कैमरा मॉड्यूल एकदम सुंदर लुक लग रहा है, एकदम प्रीमियम लुक, एंड कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है दोस्तों। आप अंत तक वीडियो जरूर देखें दोस्तों। एंड इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी आप देख पा रहे होगे, इसमें 6.72 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, पंचुअल डिस्प्ले दी गई है। एंड गाइस, इसमें ना डिस्प्ले जो दी गई है इसकी सुपर एमोल्ड कलर डिस्प्ले दी गई, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। एंड इसकी ब्राइटनेस नीट से है ना आजकल किसी में नहीं आ रही, इतना इसमें ब्राइटनेस नीट आया, क्योंकि इसमें 2000 का इसमें ब्राइटनेस नीट्स आया है, मतलब धूप में आप चलाओगे ना आपको कोई कलर एंड डिस्प्ले क्वालिटी में कोई चेंजिंग दिखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। आउटडोर एंड इनडोर कहीं पर भी चला सकते हो दोस्तों। इसके मैं अबाउट सेटिंग में आपको और भी फीचर्स दिखाता हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो आप, इसमें आपको मिलता है रियलमी UI का 5.0 इसमें ऑफिशियल वर्जन। डिवाइस नेम इसमें मिल जाता है आपको नार्जो 70 प्रो 5G। स्टोरेज आपको 128GB और इसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर, 5000mAh की बैटरी एंड इसमें 8GB रैम दी गई है, प्लस 8GB और एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब 8+8 16GB रैम वाला वेरिएंट बन जाएगा दोस्तों। एंड इसमें एंड्रॉयड 14 वर्जन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। एंड इसमें फ्रंट कैमरा इसका 16MP का है, रियर कैमरा इसका 50MP का, 8MP का, 2MP का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इसकी रिफ्रेश रेट जो दी गई है ना 120Hz रिफ्रेश रेट दी गई है, मतलब चलाने पर काफ़ी स्मूथनेस चल रहा है दोस्तों। इसके आप देख पा रहे होंगे, इसकी मैं बैक कैमरे की टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। इसका बैक कैमरा इसका जो दिया गया है ना 50MP का है एंड 8MP का एंड 2MP का, ट्रिपल सेटअप था आपको कैमरा मिलता है देखने के लिए। एंड आपको इसमें जूमिंग जो दी गई है ना 20x जूमिंग देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कैमरा परफॉर्मेंस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड जो कर सकते हो आराम से, 4K वीडियो एंड 30 FPS के साथ आप वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो आराम से। और आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, आपके लिए वाला मोबाइल काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें
इसमें आपको प्रोनोवा मिल जाता है देखने के लिए, पैनोरामा ऑप्शन मिल जाता है, हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, एंड माइक्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है, फिल्म स्लो मोशन, टाइम लैप्स और लॉन्ग वीडियो बना सकते हो, डुअल व्यूज वीडियो बना सकते हो, टच स्कैनर दिया गया इसमें, ग्रुप पोर्ट्रेट फोटो एंड काफ़ी अच्छे मोबाइल फीचर्स के साथ कंपनी ने लॉन्च कर दिया दोस्तों। इसमें कैमरा क्वालिटी एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, फ्रंट कैमरे से भी आप 1080 तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों। इसमें फिल्टर भी दिए गए हैं एंड इसमें नाइट मोड भी दिया गया है, जिसकी देख पा रहे हो आप कैमरा क्वालिटी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, जिसकी आप देख पा रहे होगे इसमें, जिसमें आपको मिल जाती है IP54 रेटिंग के साथ, मतलब थोड़ा बहुत पानी वगैरह में चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, आराम से एक दिन का बैटरी होगा, आराम से चला सकते हैं। 67 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, यानी 67 वाट का चार्जर दिया गया है, मतलब अच्छा है, मतलब कुल मिला के मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। एंड लाइट वेट भी सेट है एकदम बढ़िया, लुकिंग डिजाइन भी काफ़ी अच्छी, इसके पीछे मिडल जो दिया गया ना काफ़ी अच्छा एकदम शाइनिंग लुक के साथ देखने को मिल जाए दोस्तों, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका, एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो दोस्तों। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें एक और वेरियंट आता है 8256 भी आता है, इसमें 8128 भी आता है। इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस इसकी ऑनलाइन तो 19000 की 18500 समथिंग है दोस्तों, एंड आपको ये कार्ड वगैरह लगा दो तो आपको 17000 के समथिंग आपको पड़ जाए दोस्तों। एंड गाइस काफ़ी अच्छा मोबाइल है, एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, स्क्रीन फिंगरप्रिंट दिया गया गाइस, इसमें कोई साइड फिंगरप्रिंट नहीं दिया है, एमोल्ड डिस्प्ले, अगर गेमिंग वगैरह करते हो और हम गेमिंग वगैरह कर सकते हो दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें HDR10+ सपोर्टेड है। अगर आपको ग्राफिक लगा होना है HDR10+ आपको देखने में मिल जाता है दोस्तों, आप फ्री फायर पबजी वगैरह कुछ भी खेल सकते हो दोस्तों, और कम बजट में आपको स्क्रीन फिंगरप्रिंट और एमोल्ड डिस्प्ले, सुपर एमोल्ड और कलर ब्राइटनेस में दी गई दोस्तों 2000 nits, मतलब कुल मिला के अच्छा मोबाइल है दोस्तों। एंड वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो साथ, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, टेक केयर, जय।